किसी से बाप का नहीं हिंदुस्तान। हिंदुस्तान की लड़ाई में मुसलमान हिंदू सिख सारे लोगों ने अपना खून दिया है। योगी जी ने जिस अंदाज में कहा कि हैदराबाद टेररिज्म को बना देता है, मैं उनसे और ये फिरकावादी धर्म भरम पे लड़ने वाले सारे पॉलिटिशियन से ये चीज कहना चाहता हूं कि हिंदुस्तान आजादी और सेकुलरिज्म को बना देता है। टीआरएस गवर्नमेंट आज जिन सारे बातों पर हुकूमत कायम की थी, कहा था कि स्टूडेंट जो यूके स्टूडेंट्स को मुकाम देंगे, गवर्नमेंट जॉब्स देंगे, मैं कहना चाहता हूं कि हिंदुस्तान को तेलंगाना गलत स्टेट देने वाली गवर्नमेंट का नाम कांग्रेस है। आज तुम ये कहते हो कि हमने इसको कायम किया तो ये गलत है। और मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि कोडरमा के साथ जितने स्टूडेंट्स ने तेलंगाना हासिल करने के लिए अपनी जान दी है, उन सारे स्टूडेंट्स के खातिर का नाम केसीआर, उन सारे स्टूडेंट्स को इस्तेमाल करने वाले का नाम केसीआर बाबा और चार चोर है। वो चार चोरों में नाम आता है केटीआर, कविता, हरीश। ये सब होने के बाद कतले कहते हुए अपने टीआरएस गवर्नमेंट को कायम किया, सैराबाद के बच्चों को अलैन एनकाउंटर के नाम पर, जिन बच्चों को बाइज्जत रिहा करने का वादा हुआ था, जिन बच्चों को आजादी मिलने वाली थी, उनको एनकाउंटर कर दिया। आज हमारी मुस्लिम पार्टी, कई सारे लोग कहते हैं कि उन्हीं को वोट दो, हम उन्हीं का सपोर्ट करते हैं, हम सेकुलर है। क्या ये सेकुलरिज्म है? मुसलमानों का कत्लेआम होता है और कोई पूछने वाला नहीं होता है मेरे भाई? टीआरएस एलएन एनकाउंटर ओयू के स्टूडेंट्स को चला दिया गया। केसेस में हैदराबाद के ऐसे कई नौजवान हैं जिनको मुतला कर दिया गया। एलएन एनकाउंटर के बाद कॉर्डन सर्च के नाम पर हैदराबाद के ऐसे कई एरिए हैं जिन पर 4 बजे रात को घटना आता है, और हमारे लीडर्स कहते हैं कि परमिशन की जरूरत नहीं है। और आज हम जिनके पीछे भाग रहे हैं, जो टीआरएस गवर्नमेंट कह रही है कि हम सेकुलर हैं, जो दूसरे पार्टी कह रहे हैं हम सेकुलर हैं, क्या आप कभी उनके घर पर जाकर उनसे मुलाकात कर पाए? क्या उनके लोगों ने कभी आपको मिलने का मौका दिया? जब आपके नाम पर केस होता है, आप उनके घर पर खट्टा मारते हैं कि भाई हमारे बच्चों को नाजायज केसों में अटकाया गया है, क्या आपको कभी उनसे मिलने का मौका दिया जाता है? अभी बहादुरपुर का एक मसला, मैं कलीमुद्दीन बाबा के साइड से बोल रहा हूँ कि इंशाल्लाह जैसे ही कलीमुद्दीन बाबा इख्तियार में आएंगे, सबसे पहले वो मसला सॉल्व करेंगे, नाले का मसला, जो बरसात होने के बाद नाला भर जाता है। इंशाल्लाह बहादुरपुर का वो मसला सबसे पहले सॉल्व होगा।